तू आर्टिस्ट है? जी जी जी। बेटी चौध सही से करियो, मजा आना चाहिए। और शो खत्म होने के बाद मुझे पूरा हिसाब क्लियर चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं। सही बता रहा हूं, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला बारी नहीं आ रहा। एक नया दौर आ चुका है जहां छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। बेटी चोद सही से करियो, तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहन चोद। और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। हाँ बहुत यूनिटी है तुम में। इन्होंने ना टिकटॉकर्स की टीम बना रखी है। मैं मरने से पहले बस एक बार इनका घर देखना चाहता हूँ। हर कमरे में बहन चोद दो तीन एनिमे कैरेक्टर बैठे होंगे जिनका तीली जैसा शरीर और मोमबत्ती जैसे बाल, कतई शाका लाका बुम बुम वाली पेंसिल लगते भोसड़ी के। अब ये बोलेंगे, यार तू बॉडी शेविंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है। मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले, अंडल को अंडल ना बोले। ये वीडियो नहीं, एक्चुअली में ये एक पिक्चर है। मैं अजय नागर नहीं, अजय देवगन हूँ। ये योटा नहीं, ये पापी गुड़िया है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। मजाक को मजाक की तरह लिया करो। और अभी बताता हूँ मैं इतनी यूनिटी क्यों है तुम में। गाइस यार कोई बुरी बांधने वाली बात नहीं है। आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। अगर तुमने मजे में लिया होता तो तुम्हारे फोन नहीं आ रहे होते मुझे। हाँ भाई मिस्टर फैजू, फैजू कैसे कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि कौन सी दिशा में चलती है? अबे तुम टिकटॉक से हो, अंडरवर्ल्ड से नहीं, जो तुम्हारे फोन से गांड फटेगी मेरी। और ये एजेंसी का कौन सा टट्टा जो मेरा नंबर दे रहा है? बहनचोद तेरी नौकरी खा जाऊंगा। साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहनचोद। इतने लोग वो यूट्यूबर्स हैं जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारी वीडियोस की तरह स्लो मोशन में चलता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे 9-10 वीडियो बनाने में तो पूरा दिन निकल जाता होगा ना। एक वीडियो को बनाने 5 मिनट लगते ज्यादा से ज्यादा। तुम दिन में 2 भी पोस्ट करते हो तो तुम्हारे 10 मिनट जाएंगे। ये है मेंटोस जिंदगी। एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। ये कौन सी जिंदगी है मुझे नहीं पता। आंटी तेरा साबुन स्लो नहीं, कतई मर चुका है। तुम्हें ये बकचोदी करने में 4 घंटे कैसे लग रहे हैं? अगला इतनी देर में पूरे साल के लिए सेट हो जाएगा, तुमसे एक ट्रांजिशन नहीं डल रहा। ये बच्चों के हाथ में किसने दे दिए फोन? देखो मैं इस भसड़ में नहीं घुसूंगा कौन बेहतर है। जिसको जो देखना है देखे, लेकिन अपनी गांड में से फूल निकाल के अपने आप को जादूगर नहीं समझूंगा मैं। चलो मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। सोचो मैं एक डांसर हूँ, ये 1, 2, 3, 4, इसे अलग अलग करने में और साथ में करने में फर्क है ना। ये फ्रंट कैमरा में इतना घुस चुके हैं, ये आईना देखना भूल गए हैं। इस बेटी को जब कोई ऑनलाइन देखता और फिर असली में देखता ना, तो उसमें इतना फर्क है। लेकिन यार अगेन, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, नफरत नहीं है। एक्चुअली में हम यहाँ पर वर्चुअल सेक्स कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद इसके घर में रिश्ता लेके जाऊंगा। पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। दिन में 10 वीडियो तुम डाल रहे हो और पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। इनकी हरामजादगी इतनी है कि टिकटॉक पे 15 सेकंड नहीं 1 मिनट तक की वीडियो अपलोड हो सकती है। लेकिन क्या ये 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे? अजी लंड मेरा, 15 सेकंड की 4 वीडियो बना देंगे। और फिर पैसे के पीछे कौन भाग रहा है? हम। व्यूज के पीछे कौन भाग रहा है? हम। इज्जत कौन नहीं कर रहा है? हम। अरे यार इसकी शक्ल देखकर ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, लेकिन जैसे ये मुंह खोलता ना बहनचोद, इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं बहनचोद। असली गुस्सा तो मुझे तुम लोगों पे आ रहा है, इतनी हाइप बना दी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। क्या ये इतना झिलाऊ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। इससे बढ़िया तो दिनचर्या पूजा पे 2 वीडियो बना देता मैं, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। बस अंत में मैं बस यही कहूंगा, टिकटॉक और कोरोना एक ही देश के बीज है, लेकिन यार उससे फर्क नहीं पड़ता। देश में लोग बहुत कुछ कहते हैं, कौन बैन है तब भी लोग देख रहे हैं ना, तो इतना दिल पे लेने वाली क्या बात है। टिकटॉकर्स को मैं ये कहूंगा, इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि उम्मीद करो कि तुम पे भी वीडियोस बने, चलना उसे ही कहते हैं। और यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहूंगा, गाइस दिस इज द राइट टाइम, देर किस बात की है, हमें भी टिकटॉक पे आ जाना चाहिए और मच मच के मचा देना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ सालो, पार्टी मत बदल देना, वरना ना तो यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। इसे तुम प्यार समझो या धमकी, वो तुम्हारे ऊपर है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।